बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा यह योजना सरकार की है। सरकार सभी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार की योजना चला रही है। हालांकि बच्चों की शिक्षा के प्रति सरकार के साथ ही आम जनता विशेष रूप से जागरूक हुए हैं, लेकिन प्रायः दिन युवतियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला में कोई गिरावट नहीं आ रही और इस पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी एक मामला बिहिया के घाघा पंचायत के अमिया गांव में घटित, जहां 16 वर्षीय एक युवती को अपराधियों ने दुष्कर्म करने के बाद उसके शव को कौड़िया हाट के पास फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में काफी आक्रोश हो गए और पुलिस इस मामले पर छानबीन कर रही है। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां एक तरफ सरकार इस पर काफी ही विशेष योजना चला रही है, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला छेड़छाड़ का मामला प्रायः दिन सुनने को मिल रहा है और इससे हमारा भोजपुर जिला भी अछूता नहीं है। प्रायः दिन इस प्रकार की घटनाओं में काफी ही वृद्धि हो रही है। हाल ही के दिनों में बिहिया प्रखंड के घाघा पंचायत के ग्राम अमिया में एक 16 वर्षीय युवती सीता कुमारी का बलात्कार कर हत्या करने के बाद शव को कौड़िया हाल्ट के पास रख दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण काफी आक्रोश हो गए। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है। सुनिए क्या कहते हैं मृत युवती के परिजन। कैसे घटना हुई? घटना हुई 6 महीने आगे से कहता था कि हमका खानदान के हम मार कोई परिवार के छुआ मार हमारे लगी 2 बजे बाहरी गोल ही है 2 बजे ले जाके ठठिया के रेलवे लाइन पर पार दिला है सर। अब ओकर हमारे लगे गोल है देखला है सर तब भाग गोला है सर। कहाँ रख रहा था लाश को? लाश ले लाइन पर सुता के भागुला सब मोटरसाइकिल ले 4 गो 12 से। ठीक, आप लड़की की माँ है? हाँ। क्या नाम है आपका? भागा देवी। हम बताए कैसे पता चला आपको कि हमारे 2 बजे मेरा बहन गई लेटरिंग करने। 2 बजे मेरा बहन गई लेटरिंग करने, हम लोग देखे कि आपने देर हो गया नहीं आई, तो हम देखे तो मेरे बहन को रेलवे लाइन पर धर कर 4 आंधी जा रहे थे। मैंने हाला किया। कौन कौन आदमी थे? वो आंधी थे मंतोष, टुनटू, गुनी, झिंगन। ये चारों आदमी लाश रख रहे थे मार करके कि जिंदा में रख रहे थे? मार कर कर। आपने हल्ला किया तो क्या किया? वो लोग भाग गए। अभी घर पे भी नहीं होगा? नहीं है। फिर आप घर पे आए तो बोले किसी को, परिजन को बताएं? हाँ, घर बताएं। नाम बताइए अपना। त्रिभुवन कुमार। घर? कौड़िया। कौड़िया मृत युवती के पिता रामकिशुन सिंह यादव ने कहा कि अभी हाल ही में यानी 2018 में आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में यह हमारी बेटी ने परीक्षा दी थी और काफी ही उम्मीद था कि बेटी बाप का नाम रोशन करेगी, लेकिन अपराधियों ने हमारी बेटी सीता कुमारी के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को कौड़िया हाल्ट के पास छत बिछित रूप में फेंक दिया। सुनिए मामले की जांच को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। इस घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? हमको आरा से सूचना मिला, थाना प्रभारी द्वारा हमको सूचना दिया गया कि हम यह गांव के सामने एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो हमने पूछा कि भाई कहाँ है अमिया गांव, तो बताया लोग कि कहें कि बिहिया प्रभारी हमको सूचना दिए हैं, बिहिया प्रभारी हमको सूचना दिए हैं, बिहिया प्रभारी से संपर्क किए तो कहे कि हाँ अमिया गांव के सामने है। हम उसके आधार पर वहां से बिहिया से आए हैं, देखे हैं कि लाश कटा हुआ है।
परिजन इसको हत्या का आशंका जता रही है। अब हक्का जगावे चाहे क्या करे उसे हमको कोई मतलब नहीं। हम तो ट्रैक मानते हैं कि ट्रैक पर कटा हुआ है। हत्या है नहीं है वो तो बाद में की चीज है, अनुसंधान का विषय है ये। अनुसंधान के पूर्व तो परिचय बता दीजिए सर। परिचय बता दीजिए। सब इंस्पेक्टर राम जगत सिंह। कई टुकड़ों में मृत सीता कुमारी का शव को देखकर मृत सीता कुमारी की मां की आंखों की आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वह बार बार कहती है कि अपराधियों को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। यह योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कितना सफल होगा जब तक कि हम सभी जागरूक नहीं होंगे, हम सभी जागरूक नहीं होंगे। भले ही सरकार केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार इस योजना पर करोड़ों रुपया खर्च कर दे, लेकिन जब तक इंसान अपने आप को नहीं समझेगा, इस पर विशेष ध्यान नहीं देगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी।